बागपुर में रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेन योजना के आधार पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दक्षिण भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन यात्रा 20 मार्च से चालू करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम 10 रात और 11 दिन का होगा, जिसके अंतर्गत तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एवं पुरी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। दर्शनार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति 10,395 रुपये नॉन एसी एवं एसी के लिए 17,325 रुपये किराए लेकर कराए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड दक्षिण भारत स्टोरेज में ट्रेन के तहत मुख्य पर्यवेक्षक पर्यटन अधिकारियों दीपंकर मंडल उर्फ मन्ना एवं मनीष कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को शाकाहारी भोजन के तहत चाय, कॉफी, नाश्ता, लंच, डिनर एवं विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने यह भी कहा कि बुकिंग के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी संपर्क कर सकते हैं, यह भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध होगा। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने इस संदर्भ में की है, एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन जो रेलवे बोर्ड के अनुसार जो पिलग्रिम स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो दक्षिण भारत को जाएगी 20 मार्च को, इसका संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन 20 मार्च को मुंगेर से खुलकर भागलपुर, कहलगांव, साहेबगंज, पाकुड़, कोलकाता होते हुए दक्षिण भारत को जाएगी। इसमें हम यात्रियों के लिए घूमने की व्यवस्था की है। इसमें जो जो तीर्थ स्थान हमने इस ट्रेन के माध्यम से चयन किया है वह है तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एवं पुरी। यह यात्रा 10 रात 11 दिन की होगी और 20 मार्च को जाएगी और 30 मार्च को शाम तक मुंगेर वापस आएगी। इसमें आपकी दो श्रेणी की यात्रा होगी, एक स्लीपर क्लास की और एक थर्ड एसी की। स्लीपर क्लास की जो किराया है वो 10,395 रुपीज़ की है और एसी क्लास की जो है वो 17,325 रुपये की है। इस यात्रा शुल्क में आपकी ट्रेन की यात्रा की किराया रहेगा, रहने की व्यवस्था रहेगी, एसी वालों के लिए होटल में व्यवस्था रहेगी, स्लीपर वालों के लिए धर्मशाला में व्यवस्था रहेगी। जहाँ जहाँ ट्रेन रुकेगी वहाँ से मंदिर में जाने आने के लिए बसों की व्यवस्था रहेगी। शाकाहारी भोजन रहेगा ट्रेन के अंदर भी, ट्रेन के बाहर भी, पूरे 10-11 दिन के लिए। इसमें सभी यात्रियों का दुर्घटना यात्री बीमा रहेगा। सभी कोच में एक टूर मैनेजर रहेंगे और एक सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। और कोरोना महामारी के लिए हमने कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सभी सामानों का सैनिटाइज किया जाएगा जैसे ही ट्रेन में चढ़ने से पहले के लिए। सभी को एक कोविड किट दिया जाएगा जिसमें पर दिन के अनुसार मास्क रहेंगे, सैनिटाइजर रहेंगे, स्प्रे किट रहेगा, फेस शील्ड रहेगा। ये सारी सुविधाएं उस यात्रा के साथ सम्मिलित रहेगी। इस यात्रा में बुकिंग हेतु हमारे वेबसाइट irctctourism.com में जाके बुकिंग करवा सकते हैं या भागलपुर फूड प्लाजा में भी जाके आप काउंटर में बुकिंग करा सकते हैं। और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 9002040142 भागलपुर के लिए। जिसको कोई भी जानकारी हो या बुकिंग करने में असुविधा हो, किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन के लिए उस टोल फ्री में कभी भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।